दोस्तों अंबाला छावनी से छठी बार विधायक चुने गए भाजपा नेता अनिल विज गृह मंत्री का काम संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने की बेलाग छवि के कारण अनिल विज को गब्बर सिंह कहा जाता था। इस बार गृह मंत्री के रूप में अनिल विज और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं और उनको शक्तिमान कहा जाने लगा है। सूत्र बताते हैं कि अनिल विज को हरियाणा का शक्तिमान बनाने की पटकथा नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा लिखी गई थी। अनिल विज को शक्तिशाली विपक्ष के साथ सहयोगी जेजेपी के दाब पेच की काट की भी जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों आज हम हरियाणा की राजनीति और अनिल विज से जुड़े इन सब मुद्दों की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अनिल विज की कार्यशैली के संबंध में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। अनिल विज छठी बार जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। पिछली सरकार में अनिल विज के पास स्वास्थ्य और खेल विभाग की जिम्मेदारी थी। अनिल विज की दबंग कार्यशैली ने हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। हालांकि अनिल विज के बड़बोले बयान कई बार पार्टी को मुश्किल में भी डालते रहे हैं। इसी अंदाज के कारण हरियाणा की नौकरशाही में अनिल विज को गब्बर सिंह के नाम से पहचाना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की दूसरी सरकार में अनिल विज और ज्यादा ताकतवर होकर उभरे हैं। इस बार अनिल विज को गृह, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय के साथ मेडिकल और तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। औपचारिक रूप से सरकार में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की उप मुख्यमंत्री के नाते नंबर दो की स्थिति है, लेकिन सरकार में अनिल विज को किसी भी तरह से कम नहीं समझा जा सकता। अनिल विज के महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि 20 साल बाद हरियाणा को गृह मंत्री मिला है, अन्यथा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहने की ही परंपरा चल निकली थी। गृह मंत्री के नाते अनिल विज पर हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति को पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी है। यही कारण है कि पदभार संभालते ही अनिल विज एक्शन मोड में आ गए हैं। अंबाला में अफसरों की बैठक में अनिल विज ने साफ कह दिया कि जो अफसर काम नहीं करना चाहते वे अपना इंतजाम कर लें। अनिल विज ने पानीपत के सिटी थाना में अचानक पहुंचकर महिला ऐसे निर्मला को सस्पेंड भी कर दिया था। इन नए तेवरों के कारण इस बार अनिल विज को गब्बर सिंह की बजाय शक्तिमान कहा जाने लगा है। दरअसल अनिल विज की शक्तिमान की भूमिका की पटकथा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मंत्रिमंडल के गठन पर बैठक के दौरान लिखी थी। पिछली सरकार में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला के चुनाव हारने के बाद पार्टी के पास अनुभवी नेताओं की कमी हो गई है। जननायक जनता पार्टी और आजाद विधायकों के सहारे चल रही खट्टर सरकार को कांग्रेस से भी कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अनिल विज जैसे सारथी की जरूरत थी जो विधानसभा से सड़क तक विपक्ष के हमलों का जवाब दे सके। अनिल विज की ईमानदारी और बेबाकी उनको इस हैसियत तक पहुँचाने में कामयाब रही है। अनिल विज को ऊंची कुर्सी पर बिठाकर भाजपा हाईकमान ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि दुष्यंत चौटाला पर नकेल कसने की रणनीति बनाई है। अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच राजनीतिक अदावत जग जाहिर है। अनिल विज और दुष्यंत चौटाला के बीच मानहानि का एक मामला अदालत में भी चल रहा है। हालांकि अनिल विज ने अपने लिए कभी किसी पद की मांग नहीं की थी, लेकिन भाजपा हाईकमान अच्छी तरह से जानता था कि दुष्यंत चौटाला से कमतर रुतबा अनिल विज कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तकनीकी रूप से 10 मंत्रालयों के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सरकार में नंबर दो हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से गृह, स्वास्थ्य, स्थानीय निकाय, मेडिकल और तकनीकी शिक्षा मंत्रालयों के साथ अनिल विज दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़ते दिखाई देते हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।